मुझे 65 के जो थे अपने हीरो वो फैसिनेट करते थे। मैं अपने बेटे को रफी की शहीद बनाना चाहती थी, मैं अपने बेटे को एमएम आलम बनाना चाहती थी, मैं अपने बेटे को यूनस शहीद बनाना चाहती थी। तो मेरे दरवाजे पीछे खिड़की थी, हम क्वार्टर है 5 साल, तो वहाँ से ये लेफ्टिनेंट सब दौड़ते थे, तो मैं कहती थी मेरे ऐसे उठा के ना मेरे बच्चे भी दौड़ेंगे। यहाँ पीछे से आके जब फरमा लिया अम्मी मैं कैसे फेल हो गया, चलो मैं फिर से ही फिर कोशिश कर, फिर अग्गे से होके जफा मार के अम्मी मैं पास हो गया। तसल्ली देना, प्यार करना, कोई मसला हो तो कंधा हल्का सा दबा के और फिर कहता था सब ठीक हो जाएगा। वो प्यार भी तो इतना करता था, वो जैसे छुट्टी आता था कभी इधर कभी इधर, बहुत ही ज्यादा। जो उसकी मन्नत मैंने मानी थी कि मेरा बेटा पायलट बनेगा तो ये मैं सब कुछ करूं, मैंने उसके मरने वाले दिन तक नहीं छोड़े। जिस दिन वो शहीद हुआ उस दिन भी पड़े उसके, लेकिन शुक्राना शहादत के तौर पर। फिर गम भी दिया तो फिर वो भी बढ़ के दिया, उसका मैं बता नहीं सकती आपको। अल्लाह ताला जिसको चुन ले, रुतबा तो वड्डा ही ले आना पे शहीदियां वाला पे टेड नु सबर ते नहीं ना आंदा। और आज तक मुझे महसूस होता है कि मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता है सब ठीक हो जाएगा। दुआइयां मऊ ने पैगाम, दुआइयां मऊ ने की पैगाम, मैं माँ की कर सकनी है कुछ नहीं कर सकनी, सोने अल्लाह अगे दुआ कर सकनी है, वो आज देने तो आ तोड़ जा। हम अपने फौज के साथ है, हमारे जज्बे बेदार है और कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी, रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जान।